Hello so my dear students, today we are going to discuss about the topic therapeutic and diagnostic applications of enzymes. So first of all, we will discuss list of content and topics, enzymes as a therapeutic agents, diagnostic importance of enzymes, आइसो एनजाइम्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रेफरेंसेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनजाइम्स एज थेरेप्यूटिक एजेंट्स सेवरल एनजाइम्स आर यूज एज ड्रग्स इट इज़ अ न्यू अप्रोच एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एंजाइमो थेरेपी ओके बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको अब ड्रग्स की तरह यूज किया जाता है ये एक न्यू अप्रोच है और इसे हम बोलते हैं एनजाइमो द एन्जाइम्स एज ड्रग्स एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स एज फार्मास्यूटिकल्स एंड सेकेंडली एंजाइम्स आर कैटेलेटिक एंड कन्वर्ट मल्टीपल टारगेट मॉलिक्यूल्स टू द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स दीज टू फीचर्स मेक्स एंजाइम्स स्पेसिफिक एंड पोटेंट ड्रग दे एक्चुअली स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमको पता है कि मेनली क्या काम करते हैं हमने बताया है कि जो न्यू अप्रोच है वो क्या है कि एंजाइम्स ड्रग्स की तरह वर्क करते हैं इसीलिए हम इसे एंजाइमोथेरेपी बोलते हैं और जो एप्लीकेशनस हैं एंजाइम्स के एज फार्मास्यूटिकल्स और सेकेंड اللي जो ये कैटालिटिक एक्टिविटी करते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी मींस ये कन्वर्जन करते हैं मल्टीपल टारगेट मॉलिक्यूल्स को डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं ये जो दो फीचर्स हैं यही एंजाइम्स को स्पेसिफिक एंड पोटेंट ड्रग की तरह यूज कर रहे जाते हैं सो दे एक्चुअली स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस टू हेल्प एंड सपोर्ट द लाइफ ये मेन क्या काम है इसका ये स्पीड अप करते हैं जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं इसलिए ये क्या करते हैं लाइफ को सपोर्ट करते हैं द एंजाइम्स इन आर बॉडी हेल्प टू परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट टास्क बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं दीज इंक्लूड्स बिल्डिंग मसल्स डिस्ट्रॉइंग ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स ड्यूरिंग डाइजेशन एंड दे आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन मसल एंड नर्व फंक्शनिंग एंड अमंग थाउजेंड्स ऑफ अदर रोल्स ओके बहुत सारे रोल्स हैं जो एनजाइम्स प्ले करते हैं ये बिल्ड मसल्स को बिल्डअप करने का काम है जो टॉक्सिनस हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं उनका ब्रेकडाउन ठीक है ब्रेकडाउन होगा तभी डाइजेशन होगा ठीक है एंड ये असेंशियल होते हैं रेस्परेशन में मसल्स के और नर्व फंक्शनिंग के लिए और बहुत सारे और रोल्स प्ले करते हैं एनजाइम्स ओके एंजाइम्स वाइडली यूज़ होते हैं फूड इंडस्ट्री में भी ये क्या करने के लिए प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस कॉमन प्रोडक्ट्स सच एज डेरी बेकरी प्रोडक्ट्स मीट प्रोडक्ट्स बियर एंड वाइन इन सब में भी एंजाइम्स को यूज़ करा जाता है एंजाइम का रोल वाइडली यूज़ होता है एंजाइम्स ओके सो एंड यहाँ पे देखिए जो थेरेपेटिक एंजाइम्स हैं उन ब्रॉड वेराइटी में इनके स्पेसिफिक यूजेज हैं सो नंबर वन इज ऑंकोलाइटिक्स सेकेंड इज एंटी नंबर थर्ड इज थ्रोम्बोलाइटिक्स एंड डाइजेस्टिव एड्स तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं इनको वन बाई वन ओंकोलाइटिक्स क्या होते हैं ओंकोलाइटिक्स का मतलब होता है फिच ब्रेक्स द कैंसर सेल्स ठीक है ऐसे एजेंट्स जो कैंसर सेल्स को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं ठीक है सेकेंड्स हैं एंटी कुआगलेंट्स का मीनिंग होता है जो स्टॉप करें ब्लड फ्रॉम बिकमिंग थिक ठीक है और क्लॉट ना बनने दें ब्लड को गाढ़ा होने से थिक होने से बचाते हैं एंटी और क्या काम करते हैं ये क्लॉट नहीं बनने देते हैं ठीक है तो इन्हें हम बोलते हैं एंटी कोगुलेंट्स नंबर थर्ड इज़ थ्रोम्बोलाइटिक थ्रोम्बोलाइटिक्स आर ऑल्सो नोन एज फेब्रीनोलाइटिक्स ठीक है थ्रोम्बोलाइटिक्स को हम फेब्रीनोलाइटिक्स भी बोलते हैं इट कॉज ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड क्लाट्स फॉर्म्ड इन द ब्लड वेसल्स ये क्या करते हैं जो ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाते हैं उस क्लॉट को ब्रेकडाउन करने का काम करते हैं ठीक है नंबर थर्ड हम हो गया हमारा थर्म्बोलाइटिक्स लेकिन लास्ट है हमारे डाइजेस्टिव एड्स डाइजेस्टिव एड्स का मीनिंग होता है कि बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जो नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं ठीक है बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रूट्स uh, हैं जैसे पपाया है है हनी है पाइनएपल है जिंजर हैं ठीक है इन सब में क्या प्रेजेंट होते हैं नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एडिंग एनी ऑफ दीज फूड टू योर डाइट मे हेल्प टू प्रमोट डाइजेशन एंड बेटर गट हेल्थ ओके okay, तो ये सारे क्या हैं थेरेपेटिक एंजाइम्स इनके बहुत सारे स्पेसिफिक यूजेस हैं एंजाइम्स के ठीक जिस है जिसमें हमने देखा ऑन्कोलाइटिक्स हैं एंटीकोगलेंट्स हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स हैं डाइजेस्टिवेट्स हैं ये सब हैं अब हम वन बाय वन इसके बाद एंजाइम्स देखते जाएंगे कौन सा एंजाइम ठीक है कौन सा थेरेपेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है ओके okay, सो so, हमारा फर्स्ट वन है स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करते हैं देखिए ये स्ट्रेप्टोकाइनेस इट इज यूजफुल फॉर क्लियरिंग द ब्लड क्लॉट्स ये स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम्स क्लियर करते हैं ब्लड क्लॉट्स को स्ट्रेप्टोकाइनेस का मेन ये कैसे रोल प्ले करते, है? करते हैं ये स्ट्रेप्टोकाइनेस प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करते हैं प्लाज्मिन में कन्वर्ट करते हैं और ये जो प्लाजमिन है ये अटैक करता है फेब्रिन पर ताकि ये क्या हो जाए ये फेबरिन जो है वो सॉलबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए ठीक है स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या काम करता है ये ब्लड क्लॉट को क्लियर करने का काम करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस ये एक्टिवेट करेगा प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में देन क्या होगा प्लाज्मिन अटैक करता है फेब्रिन पर फेबरिन इज अ क्लॉट एंड ये कन्वर्ट हो जाता है सोलबल प्रोडक्ट्स में ओके okay? ये देखिए इस तरीके से प्लाज्मिन को प्लाजमिन में एक्टिवेट कर रहा है कौन ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम देन प्लाज्मिन क्या काम करता है फिब्रिन फिबरिन इज अ क्लॉट इसे कन्वर्ट कर देता है किसमें सॉलबल प्रोडक्ट में फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स ठीक है इसी तरीके से ये क्या रोल प्ले करता है ये क्लॉट को डिजोल्व करने का काम करता है सो so मेन ये किस में यूज होगा देन इट इज़ जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है ये इट इज मेनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन तो इसीलिए ये मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में यूज होता है सो वट इज मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जनरल इसका मीनिंग है हार्ट अटैक ठीक है इसे हम जनरल मीनिंग में हार्ट अटैक बोलते हैं इसमें होता क्या है इन विच ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स अकर दैट मीन्स वेन अ ब्लड क्लॉट ब्लॉक्स ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड विदाउट ब्लड टिश्यू लूजेज ऑक्सीजन एंड इट डाइज ओके इसमें क्या होता है कि हार्ट अटैक का मीनिंग होता है कि जब आपका ब्लड फ्लो ना हो पाए ठीक है हार्ट मसल्स को ब्लड ना मिल पाए ब्लॉकेज हो जाए क्लॉट हो जाए ठीक है और अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा जो हार्ट के टिश्यूज़ हैं वो ऑक्सीजन लूज़ कर देंगी जिस वजह से हार्ट हमारा फेल हो जाएगा ठीक है हार्ट अटैक आकर होगा इस कंडीशन में नेक्स्ट है हमारा देखिए एसपेरिजिनेस एंजाइम एसपेरेजिनेस क्या काम करता है इट इज़ तो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमियाज एसपेरिजिनेस एंजाइम किसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में ल्यूकेमिया क्या है ये एक टाइप का ब्लड कैंसर है ठीक है किस वजह से होता है कि जब हमारी बॉडी में डब्लू का नंबर इंक्रीज़ हो जाए तो इस वजह से ल्यूकेमिया होता है ठीक है ल्यूकेमिया इज़ अ ब्लड कैंसर कॉस्ड बाय राइज इन द नंबर ऑफ डब्लू इन द बॉडी ओके देन हमारा नेक्स्ट एंजाइम है पेपेन पेपेन इज़ यूज एज अ एंटी इन्फ्लामेट्री ठीक है पेपेन किस तरीके से यूज होता है पेपेन यूज़ होता है एज एन एंटी इन्फ्लामेट्री एजेंट इन्फ्लामेशन का क्या मीनिंग होता है हमने आपको पहले बताया है ये चीज़ इन्फ्लामेशन का मीनिंग होता है इट इज़ अ कंडीशन इन विच अ पार्ट ऑफ बॉडी बिकम्स रेड सोर एंड स्वेलन इन्फ्लामेशन का यही मीनिंग होता है कि आपकी बॉडी का कोई पार्ट रेड हो जाए या सोर उस पेनफुल हो जाए या स्वेलिंग उसमें आ जाए बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन या किसी इंजरी की वजह से ठीक है तो इसे कौन ट्रीट करता है इट इज़ यूज पेपेन एंजाइम यूज़ करे होगा इसमें ठीक है किसमें एज एन एंटी इन्फ्लामेट्री एजेंट यूज होगा देन हमारा एंजाइम है यूरोकाइनेस। यूरोकाइनेस का क्या काम है इट इज़ यूज टू लाइज इंट्रावेस्कुलर क्लॉट ओके ये जो यूरोकाइनेज एंजाइम है ये इंट्रावेस्कुलर क्लॉट को डिजोल्व करने का काम करता है ठीक है इंट्रावेस्कुलर क्लॉट क्या होता है मींस जो क्लॉट है उसका ब्रेकडाउन करेगा कहाँ पे जो ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग हो जाती है उसके ब्रेक डाउन की बात हो रही है ठीक है इट कुड बी अ वेन और आर्टरी यानी कि कुछ भी हो सकता है आर्टरी में या वेन में कहीं पे भी अगर ब्लड क्लॉटिंग हो गई है तो उसे डिजोल्व करने का काम करेगा ठीक है वेस्कुलर सिस्टम इन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओके नेक्स्ट देखिए ये तो हमारी बात हो गई यूरोइनेस की नेक्स्ट एंजाइम है हमारा पेनक्रिएटिक एंजाइम्स पेनक्रिएटिक एंजाइम्स में जैसे ट्रिप्सिन है लाइपेज है ठीक है जो डाइजेशन में यूज़ होते हैं वो एंजाइम्स अब डाइजेशन एंजाइम्स कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डाइजेशन ठीक है दे एक्ट्स एस कैटेलिस्ट टू ब्रेक डाउन अ बिग मॉलिक्यूल्स विच कैन नॉट पास थ्रू द गट वॉल इन द ब्लड इन टू द स्मॉलर वंस मतलब बड़े जो पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉलर वन में कन्वर्ट करने का काम करता है ऐसे पार्टिकल्स जो पास ना हो पाएं गट वल, गट वॉल से और ब्लड में ना रीच हो पाएं तो बड़े पार्टिकल्स नहीं पास हो पाएंगे इसलिए उनका ब्रेकडाउन स्मॉलर वन में ये कर करने का काम करते हैं ठीक है दे कैन डिफ्यूज़ इजीली इनटू द ब्लड अगर ये छोटे हो जाएंगे स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इजीली ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएंगे जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं स्टार्च हैं प्रोटीन्स हैं फैट्स हैं ये सारे क्या हैं ये बिगर मॉलिक्यूल्स हैं तो जैसे लाइपेज एंजाइम है ये कन्वर्ट करता है फैट्स को किस में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ठीक है लाइपेज एंजाइम किस में कन्वर्ट करता है फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल फैट्स बिगर मॉलिक्यूल है और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल क्या है या स्मॉलर स्मॉलर में कन्वर्ट करेगा लाइपेज एंजाइम ठीक है जैसे प्रोटीज हैं ये डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन्स को न्यूक्जेज हैं ये डाइजेस्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को अमाइलेज है ये ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का लैक्टेज एंजाइम है ये ब्रेक डाउन करता है मिल्क का ठीक है तो इसी तरीके से ये क्या काम करते हैं एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करते हैं इनका रोल ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं और इनका रोल है कि बिगर मॉलिक्यूल्स को जो हमारी गट वॉल से ब्लड में पास नहीं हो पा रहे हैं उनको स्मॉलर में कन्वर्ट करना सो दैट दे कैन इजिली डिफ्यूज इन टू द ब्लड ओके okay, तो ये कुछ हमारे किसके हो गए पैनक्रेटिक एंजाइम की बात हो गई लास्ट है हमारा लाइसोजाइम जो ये लाइसोजाइम एंजाइम है ये किस में यूज होता है आई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है ठीक है लाइसोजाइम यूज्ड इन द थेरेपी ऑफ आई इन्फेक्शन लाइसोजाइम क्या करता है ये कैटेलाइज करता है ब्रेक डाउन ऑफ सर्टिन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ सर्टिन बैक्टीरिया दैट इज कॉक्साई सो इट फंक्शंस इन केस ऑफ लेक्रेमल फ्लूड टू प्रोटेक्ट द कॉर्निया ऑफ द आई फ्रॉम इन्फेक्शन ठीक है जो हमारा आई का कॉर्निया है उसे इन्फेक्शन से बचाता है कौन सा एंजाइम लाइसोजाइम एंजाइम ठीक है लाइसोजाइम कैसे करता है ये वर्क? ये वर्क? ब्रेकडाउन करता है किसका कार्बोहाइड्रेट का ऐसा वो कार्बोहाइड्रेट जो कहाँ प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया के वॉल में प्रेजेंट होगा ठीक है अब ये क्या करेगा जैसे बैक्टीरियल सेल वॉल मतलब जैसे कॉक्साई है उसके सेल वॉल में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसका ब्रेक डाउन करने का काम करेगा ठीक है सो क्या है जो लेक्रिमल फ्लूड है उसे उसको प्रोटेक्ट करेगा और ये जो कॉर्निया में इन्फेक्शन हो रहा है उससे हमारी आई को प्रोटेक्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम एनजाइम ठीक है तो ये बात हो गई हमारी थेरेप्यूटिक एनजाइम थेरेप्यूटिक एजेंट्स की तरह जो एनजाइम वर्क कर रहे हैं उनकी नेक्स्ट हमारा जो बात हो रही है वो हो रही है कि एनजाइम हमारा फंक्शन कर रहा है किसकी तरह एंजाइम डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस क्या है एंजाइम्स के ठीक है तो एस्टिमेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज इन बायोलॉजिकल फ्लूड्स लाइक प्लाज्मा सीरम इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव डायग्नोस्टिक डाइग्नोस्टिक ऑफ डिजीज ऑफ द हार्ट लीवर स्केलेटल मसल्स पेनक्रियाज एक्सेट्रा सो जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं एंजाइम्स की बायोलॉजिकल फ्लूड्स में बायोलॉजिकल फ्लूड्स मतलब जैसे प्लाज्मा है सेरम है ठीक है तो डायग्नोस्टिक तरीके से भी एंजाइम कहीं पे मतलब किसी डिजीज़ में कौन सा एंजाइम कम या ज़्यादा है तो इस तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं उस डिजीज़ को चाहे वो डिजीज़ हार्ट की हो लीवर की हो स्केलेटल मसल्स की हो या किसी तरीके का वायरल इन्फेक्शन हो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो ठीक है कौन सा एंजाइम कौन सी कंडीशन में एलिवेटेड पाया जाएगा या डायग्नोस्टिक डाइग, परपज़ के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं एज अ बायो मार्कर उसे यूज कर सकते हैं तो ये चीज़ हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स में ठीक है देखिए बायोमार्कर्स क्या हैं बायोमार्कर्स रिफर्स टू एनी लेबोरेटरी एनालाइट लाइक चाहे वो एंजाइम भी हो सकता है प्रोटीन एंटीजन एंटीबॉडी एक्सेट्रा डैट इज़ यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एनी डिजीज उनको हम किसी भी डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं ठीक है थीके? जैसे एंजाइम यहाँ पर कुछ एंजाइम्स दिए हुए हैं और उनका डायग्नोस्टिक यूज़ दिया हुआ है जैसे अमाइलेज और लाइपेज एंजाइम है ठीक है ये पेनक्रिएटाइटिस मतलब पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन उसको डिटेक्ट करने के लिए नीडेड है नेक्स्ट हमारा एसिड फॉस्फेटेज ये प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करने में यूज़फुल है ठीक है डायग्नोसिस के लिए प्रोस्टेट कैंसर की कौन इंपॉर्टेंट है एसिड फॉसफिटेज नेक्स्ट हमारा एल्कलाइन फॉसफिटेज है तो बोन या लीवर डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए या उसकी डायग्नोसिस के लिए एल्क्लाइन इज इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वन इज क्रिएटिन एन काइनेज ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड मसल डिजीजे के डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है हमारे ट्रांस एमिनेजेज़ ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड लीवर डिजीजेस को डिटेक्ट करने के लिए डायग्नोस करने के लिए इंपॉर्टेंट है लास्ट वन इज़ एलनिन अमाइनो ट्रांसफ्रेज ठीक है तो ये वायरल हैपाटाइटिस जो हमारा हेपाटाइटिस क्या है लीवर का इन्फ्लामेशन ठीक है जहाँ पे भी हमने बताया था टाइटिस वर्ड होगा तो उसका मीनिंग होगा इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करने के लिए क्या चीज़ होती है रेडनेस स्वेलिंग एंड पेन ठीक है ये इन्फ्लामेशन को क्या करते हैं डिनोट करते हैं इंडिकेट करते हैं ठीक है तो ये हमारे कुछ एंजाइम्स हो गए और उनके डायग्नोस्टिक यूज हो गए ठीक है तो ये हमारी बात हुई थी किसकी डायग्नोस्टिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स की नेक्स्ट देखिए हमारे आते हैं आइसो एनजाइम्स ओके okay? आइसो एनजाइम्स क्या हैं इनकी बात हम कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आइसो एनजाइम्स की है तो आइसो एनजाइम्स को हम आइसोजाइम्स भी बोलते हैं ठीक है आइसो एनजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज आइसोजाइम्स ओके दीज आइसो एनजाइम्स आर मल्टीपल फॉर्म्स और आइसोमर्स ऑफ सेम एंजाइम्स डेट कैटेलाइजेज द सेम बायोकेमिकल रिएक्शंस ठीक है आइसो एनजाइम्स या जिन्हें हम आइसोजाइम्स से बोल सकते हैं ये क्या हैं ये मल्टीपल फॉर्म्स हैं या आइसोमर्स हैं सेम एंजाइम के और ये कैटेलाइज करते हैं सेम बायोकेमिकल रिएक्शंस ठीक है और यू कैन से आइसो एनजाइम्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द सेम एंजाइम्स दे आर डिफर इन अमाइनो एसिड सीक्वेंस बट कैटेलाइजेज द सेम रिएक्शन ओके For better understanding, uh, we will uh, see here okay. enzymes having same sequence ABCD and in an isoenzyme it is BDCA here but they perform identical chemical reactions. Okay, enzymes perform ABCD and the isoenzyme BDCA but they perform but they catalyze identical chemical reactions. इज़ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आइसो एनजाइम्स जो हमारे हैं इनके हम लोग किसकी बात करेंगे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं ठीक है सो टेक वन एग्जाम्पल्स ऑफ लेक्टेड डिहाइड्रोजिनेज हेयर देर आर वेरियस आइसो एनजाइम्स ऑफ लेक्टेड डिहाइड्रोजिनेज सी एल डी एच वन लेक्टेड वन टू थ्री फोर एंड फाइव और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है आइसो एनजाइम्स ऑफ लैक्टेड डिहाइड्रोजिनेस हैव इमेंस वैल्यू इन द डायग्नोसिस ऑफ हार्ट एंड लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स ठीक है आइसो एनजाइम्स क्यों यूज़ करे जाते हैं ये जो आइसो एनजाइम्स हैंक्टो डिहाइड्रोजिनेस इनकी इमेंस वैल्यू है ये हार्ट और लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने के लिए डायग्नोस करने के लिए यूज़ करे जाते हैं ठीक है अब जो हमारे डिहाइड्रोजिनेज है इनका रोल क्या है मेनली लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस इधर इट इज इलेक्टेड डिहाइड्रोजिनेज वन टू थ्री फोर फाइव इट कैटेलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ लेक्टेट इंटू पायरेवेट मेन इसका रोल क्या है लेक्टेट डिहाइड्रोजनेस का ये लैक्टेट को पायरेवेट में कन्वर्ट करता है ठीक है किसकी हेल्प से एन ए डी एन ए डी एज अ को एनजाइम यूज़ होगा ठीक है एंड कन्वर्टेड इंटू एन ए डी एच जो कन्वर्ट हो जाएगा एन ए डी एच में देअ आर डिफरेंट आइसो एनजाइम्स ऑफ लेक्टेट डिहाइड्रोजिनेस कैटेलाइज अ सेम रिएक्शन ठीक है ये क्या काम करेगा क्या कन्वर्ट करता है दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ लेक्टेट इंटू पायरेवेट ठीक है दे आर डिफर इन बट दे आर डिफर इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज विच इंक्लूड्स स्ट्रक्चर के एम एंड वी मैक्स वैल्यूज पी एच डिग्री ऑफ डी नेचुरेशन एक्सेट्रा ओके सो सी हेयर आइसोनजाइम्स एंड एलिवेटेड इन ओके लैक्टेड डिहाइड्रोजिनेज इज वन इट इज एलिवेटेड इन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हमने आपको बताया है इसका कॉमन नेम क्या है इसका कॉमन नेम है हार्ट अटैक ओके तो एल डी एच वन कहाँ पर बढ़ा हुआ या एलिवेटेड पाया जाएगा मायोकार्डियल इन्फाक्शन में ओके नेक्स्ट हमारा एल डी एच टू तो ये किडनी डिजीजेज़ में या मैगोलोबलिस्टिक एनीमिया में एलिवेट पाया जाएगा नेक्स्ट एल डी एच थ्री ये ल्यूकेमिया में या मेलिग्नेंसीज में ठीक है कैंसर्स में एलिवेटेड पाया जाएगा एल डी एच फोर में एलिवेटेड

टू थ्री फोर एंड होता है Mainly जो lactate dehydrogenase है, वो है। और ये क्या काम करते हैं हमने आपको बताया, ये कन्वर्ट करते हैं किसको लैक्टेट को पायरेवेट में ठीक है ओके okay, बट हमने आपको बताया कि ये केमिकल या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट होते हैं रिएक्शन सेम कर्टेलाइज कर रहे हैं इनका वर्क ही है लैक्टेट को पायरेवेट में कन्वर्ट करना लेक्टेड डिहाइड्रोजिनेस का बट ये केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डिफ़र होते हैं ठीक है ये और किस में डिफ़र होंगे इनका के वैल्यूज़ वी वैल्यूज़ पी डिग्री ऑफ डी एक्सेट्रा ये इसमें डिफ़र होते हैं ठीक है तो नेक्स्ट हमने आपको बताया था कि जो माओकार्डियल इन्फॉक्शन इलेक्टेडिहाइड्रोजिनेस हमारे जो होते हैं टेट्रामर होते हैं ठीक है नेक्स्ट हमने बात किया था इलेक्टेड डिहाइड्रोजिनेस का ये क्या एल डी एच वन आपको एलिवेट पाया जाएगा मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में नेक्स्ट हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि एंजाइम कौन सा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस कौन से डिजीज़ में एलिवेटेड पाया जाएगा या बढ़ा हुआ पाया जाता है ठीक है सो so, जो हमारी नॉर्मल कंडीशन है तो कंसेंट्रेशन जो एल टू का रहता है वो थर्टी फाइव परसेंट रहता है टोटल एल का ठीक है इसका मेन ये कि हाईएस्ट कंसनट्रेशन में एल डी एच टू होता है जिसके बाद हमारा एल डी एच वन होता है ठीक है नियर अबाउट ट्वेंटी सेवन परसेंट एल डी एच वन हो रहता है बट अगर मायोकार्डियल कंडीशन हो गई है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो गया है तो कंसनट्रेशन जो है एल डी एच वन का वो एलिट इंक्रीज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू एल डी एच टू ठीक है इस इस फिनोमिना को हम फ्लिप पैटर्न ऑफ एल डी एच भी बोलते हैं ओके okay, फिर से सुनिए नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है जैसे हमने आपको बताया ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एलिवेटेड इन इसका मतलब आप लोग समझ जाओ ये एल डी एच वन टू थ्री फोर फाइव ये आपके डिफरेंट आई आई या आइसोमर्स हो गए ठीक है किस में एलिवेट रहते हैं ये हमने आपको बता दिया तो नॉर्मल अगर कंडीशन है तो कंसनट्रेशन जो एल डी एच टू की रहती है वो थर्टी फाइव परसेंट रहती है टोटल एल डी एच का ठीक है और इस और जो हाइस्ट कंसनट्रेशन इसका ये जो है एल डी टू है वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन में पाया जाता है जिसके बाद हमारा एल डी वन रहता है जिसकी कंसंट्रेशन टोटल एल डी एच की ट्वेंटी सेवन परसेंट होती है बट अगर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है तो कंसनट्रेशन जो एल डी की है वो इनक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एल डी ठीक है एंड दिस इज़ नोन एज फ्लिप पैटर्न ऑफ एल इसे हम क्या बोलते हैं फ्लिप पैटर्न ऑफ एल बोलते हैं ओके okay, तो जो एल डी एच वन है इट इज़ द स्पेसिफिक मार्कर ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्लियर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिएटिन इन फॉसफोकाइनेस की जिसे हम सी पी के बोलते हैं ठीक है क्रिएटिन इन फॉस्फोकाइनेस इसकी थ्री डिस्टिंक्ट आइसो एनजाइम्स होते हैं ठीक है सी पी के हैव थ्री डिस्टिंक्ट आइसो एनजाइम्स ओके इट कैटेलाइज अब ये एंजाइम क्या काम करता है ये कैटेलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ क्रिएटिन इन टू फॉस्फोक्रिएटिन ये कन्वर्ट करता है क्रिएटिन को फॉस्फो क्रिएटिन में ठीक है इट कैटेलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ क्रिएटिन इन टू क्रिएटिन विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिन काइनेस ओके इट कैटेलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ क्रिएटिन इनटू फॉस्फो क्रिएटिन विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिन काइनेज देयर इज थ्री आइसो ऑफ सी पी के क्रिएटिन इन फॉसफोकाइनेस वन क्रिएटिन इन टू एंड थ्री ठीक है ये डाइमर है जैसे हमने आपको बताया था एल क्या है ये टेट्रामर है इसी तरीके से जो हमारा सी है वो क्या है ये एक तरीके से डाइमर है ठीक है सी पी के वन जो है वो एलिवेट पाया जाता है इंक्रीज पाया जाता है ब्रेन डिजीज़ में सी एन एस डिजीजेज में ओके सी पी के वन जो है ये देखिए ये सी एन एस में या ब्रेन डिजीजेज में एलिवेटेड पाया जाता है बढ़ा हुआ पाया जाता है ओके okay. नेक्स्ट हम बात करते हैं सी पी के टू की तो ये एलिवेटेड पाया जाता है माओकार्डल इन्फाक्शन एंड हेड इंजरीज में ओके सी पी के थ्री जो है ग्रेट फॉस्फोकाइनेस फॉस्फोकाइनेज थ्री ये मसल डिस्ट्रॉफीज़ में मायोपैथीज़ में एंड हाइपो को इंडिकेट करता है ओके okay, तो ये हमारे एल एक तो हमने एल देखा है लेक्टेडिहाइड्रोजिनेज आइसो एनजाइम नेक्स्ट हमने देखा है क्रिएटेनिन फॉस्फोकाइनस को एंड लास्ट जो हमारा है एलिनिन फॉस फॉस्फेटेज ये यूजफुल होता है किसके डायग्नोसिस में लीवर और बोन डिजीजेस के डायग्नोसिस में जो हमारा एल्कलिन फॉसफिटेज हैं इट इज़ यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ लीवर एंड बोन डिजीज ओके okay, तो ये हमारी बात हो गई आइसो एनजाइम्स की लास्ट में कुछ रेफरेंसेस हैं Thank you.